आज हम तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर समय समय पर क्या हुआ है। हम देखेंगे कि किस तरह से तमिलनाडु के अंदर एक शिफ्ट आया सोशल रिफॉर्म से पॉपुलिज्म तक। और इसलिए आज हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु अ शिफ्ट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म टू पॉपुलिज्म। तो इसलिए हम तमिलनाडु के अंदर हुई पॉलिटिक्स को यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके अंदर पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु का मतलब तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से समय समय पर तमिलनाडु के अंदर क्या राजनीति चल रही थी, वहां पे किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। उसके बाद इसके अंदर जो शिफ्ट आता है सोशल रिफॉर्म से पॉपुलिज्म तक, उसको आपको समझना होगा। तो मैं जब सोशल रिफॉर्म की बात करता हूँ, इसका मतलब हो गया समाज के अंदर किस तरह से सुधार किए जा रहे थे, समाज को किस तरह से बदला जा रहा था, समाज के अंदर रिफॉर्म किस तरह से किए जा रहे थे, समाज को किस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था, वो सब सोशल रिफॉर्म के अंदर आता है। कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स वहां पे चल रही है उसकी यहां पे बात होगी। और उसके बाद पॉपुलिज्म की तरफ ये जो शिफ्ट आया सोशल रिफॉर्म से, उसकी भी यहां पे बात की जाएगी। पॉपुलिज्म को मैं थोड़ा सा आपको बाद में समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड डेवलप हो जाए तब तक। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कवर करेंगे। तो जब मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, लेकिन 1969 में तमिलनाडु नाम रख दिया गया मद्रास का। मतलब कि मद्रास से नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया गया। मतलब कि 1956 के अंदर मद्रास स्टेट बनी, मद्रास का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया गया। 1916 में क्या होता है तमिलनाडु में, 1916 में एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम था साउथ इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन। क्या नाम था? साउथ इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन। और उसके बाद इस पार्टी का नाम चेंज करके जस्टिस पार्टी रख दिया जाता है। क्या होता है, 1916 में एक पार्टी बनती है तमिलनाडु में, उस पार्टी का नाम था साउथ इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, साउथ इंडियन हो गया साउथ का पार्ट, तमिलनाडु का पार्ट, और वेलफेयर एसोसिएशन हो गया कि लोगों की यहाँ पे वेलफेयर की जा रही है, लोगों का भला किया जा रहा है, लोगों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसी पार्टी का नाम चेंज करके बाद में जस्टिस पार्टी रख दिया जाता है। उसके बाद पीवी रामास्वामी, जो कि वहां के एक लोकल लीडर थे, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, याद रखना ईवी रामास्वामी बहुत ही मशहूर एक लीडर रहे हैं और उनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बाद में क्या किया, ये जो जस्टिस पार्टी थी इसका नाम चेंज करके द्रविड़ा कज़ागम रख दिया गया। मतलब कि समझ आ रहा है आपको, सबसे पहले साउथ इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन बनी 1916 में, उसका नाम चेंज करके जस्टिस पार्टी रख दिया गया, और उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर ने, जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसी जस्टिस पार्टी को चेंज करके, इसका नाम चेंज करके द्रविड़ा कज़ागम रख दिया गया, जिसको हम डीके भी कहते थे, और 1944 में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या होता है, अन्नादुराई भी एक पॉपुलर लीडर थे कहां पे, तमिलनाडु में, और वो द्रविड़ा कज़ागम के लीडर हुआ करते थे, डीके के लीडर हुआ करते थे। लेकिन वो इस द्रविड़ा कज़ागम को छोड़ देते हैं, इस पार्टी को छोड़ देते हैं, जो कि ईवी रामास्वामी नायकर की पार्टी थी, पेरियार की पार्टी थी, इसको छोड़ देते हैं और अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम, जो कि 1949 में ये बनाते हैं, जिसको हम डीएमके भी कहते हैं, और आज भी तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार है। तो तमिलनाडु के अंदर डीएमके बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए ये जो डीएमके बनाई गई थी ये अन्नादुराई के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने ये जो द्रविड़ा कज़ागम थी इसको छोड़ दिया और डीएमके को बनाया 1949 में। ये तो हो गया वहां पे किस तरह से एसोसिएशंस बनी, पॉलिटिकल पार्टीज बनी तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं, ये जो जस्टिस पार्टी थी जिसका बाद में नाम चेंज करके जो है वो द्रविड़ा कज़ागम रख दिया गया, ये जो जस्टिस पार्टी थी, मतलब कि जिसको ईवी रामास्वामी लीड करते थे, यही पेरियार साहब, ये जो जस्टिस पार्टी को लीड किया करते थे, इन्होंने और डीएमके ने मिलकर, जो कि अन्नादुराई की पार्टी थी, ये जो बाद में बनी 1949 में, इन दोनों पार्टीज ने मिलकर डिमांड किया क्रिएशन ऑफ द्रविड़ानाडु और द्रविड़ास्तान, सेपरेट सोवरन स्टेट फॉर द्रविड़ियन स्पीकिंग लैंग्वेजेस। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड डेवलप हो रहा है, क्या हुआ, ये जो जस्टिस पार्टी थी जो कि पेरियार की लीडरशिप के अंडर, और साथ ही साथ ये जो डीएमके बाद में बनाई गई अन्नादुराई की लीडरशिप के अंदर, इन दोनों पार्टीज ने टाइम टू टाइम डिमांड की कि साउथ इंडिया को, तमिलनाडु को एक अलग ही द्रविड़स्तान बना देना चाहिए, एक अलग ही द्रविड़ानाडु बना देना चाहिए। ये द्रविड़ास्तान और द्रविड़ानाडु क्या था, वो चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंटली एक अलग ही देश दे दिया जाए, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और
वो जो साउथ का पार्ट है वो एक अलग देश बनना चाहिए, एक सोवरेन स्टेट बनना चाहिए और उसका नाम होगा द्रविड़ा नाडू, द्रविड़स्तान। तो इस तरह की डिमांड साउथ इंडिया के लोगों ने, खास करके तमिलनाडु के लोगों ने उठाई, और जिसके अंदर दो पार्टी शामिल थी जिसको हम जस्टिस पार्टी बोलते हैं और साथ ही साथ डीएमके उसके अंदर शामिल थी। जस्टिस पार्टी बाद में द्रविड़ा कज़ागम इसका नाम कर दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्रविड़ा नाडू और द्रविड़स्तान की वहां पे आवाज उठने लगी। फिर बाद में उनको पता चल गया कि द्रविड़स्तान बनाना इतना आसान नहीं है और उनकी ये डिमांड जो है ये कभी फुलफिल भी नहीं होगी। तो ये जो द्रविड़स्तान की उनकी डिमांड थी कि उनको अलग देश दे दिया जाए, उन्होंने सोचा कि ये पागलपंती है, हम क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम हमें अलग द्रविड़स्तान मत दो, द्रविड़ा नाडू मत दो, हिंदुस्तान से तमिलनाडु को अलग मत करो, लेकिन एटलीस्ट हमें ऑटोनॉमी दे दो, मतलब कि हमारी स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए। जैसे मैंने कल आपको समझाया कि किस तरह से पंजाब के अंदर ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी, वैसे ही तमिलनाडु के अंदर भी ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया हमें भी पावर्स दी जाए, सेंटर के पास फेडरलिज्म के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा पावर्स हैं, तो वो चाहते थे कि स्टेट्स को भी पावर दी जाए और खास करके तमिलनाडु को भी पावर दी जाए, तमिलनाडु को पावर्स लेने के लिए जो है सेंटर के नीचे ना रहना पड़े, बल्कि सेंटर इनको भी पावर्स दे और ताकि ये ऑटोनॉमसली इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें। तो ये एक बैकग्राउंड डेवलप करते हैं हम पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म की। हम देखेंगे कि किस तरह से सोशल रिफॉर्म की राजनीति जो है वो तमिलनाडु के अंदर चल रही थी। इससे पहले हमने पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु का एक बैकग्राउंड ले लिया, उसके बाद हम इसके अंदर सोशल रिफॉर्म की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि किस तरह से एक शिफ्ट आया सोशल रिफॉर्म से पॉपुलिज्म की तरफ। मैंने अभी तक आपको पॉपुलिज्म का मतलब नहीं समझाया है और मैं इसके बाद आपको पॉपुलिज्म का मतलब समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म की, किस तरह से वहां पे पॉलिटिक्स हुई। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो तमिलनाडु के लीडर्स है ना, वो सारे के सारे ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, आर्यंस के खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वही ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं हिंदुस्तान के। ये बात आपको अभी थोड़ी सी बेग लग रही होगी, तो अगर मैं इसका मतलब आपको दोबारा समझाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि जो तमिलनाडु के लीडर्स हैं ना, वो हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ रहे हैं, वो हमेशा जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनके खिलाफ रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि आज से 2500 साल पहले के आसपास सेंट्रल एशिया से कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर इन्वेजन किया, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे जो ओरिजिनल वहां के लोग थे उनको भगा के साउथ इंडिया में भगा दिया और खुद वो नॉर्थ इंडिया में बस गए। मतलब कि जो आज का सेंट्रल एशिया है, जो कजाकिस्तान है, जो उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, ये सब देश जो हैं रशिया के नीचे जो देश आते हैं, कहा जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं। जो हम लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, ये सब सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये आर्यंस हुआ करते थे और वहाँ से आने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, इन्वेजन की, और वहाँ के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको भगा के साउथ इंडिया में भेज दिया। और इसीलिए हमेशा तमिलनाडु के लोगों का ये मानना है और तमिलनाडु के लीडर्स का मानना है कि ये जो लोग थे इन्होंने हमें बगाया है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं और इन्होंने यहां पे ब्राह्मणवाद स्टार्ट किया है, कास्ट सिस्टम इन्होंने इधर लाया है, क्योंकि ब्राह्मणवाद के अंदर, ब्राह्मणिज्म के अंदर ही कास्ट सिस्टम है, आर्यंस के अंदर ही कास्ट सिस्टम था। पहले से जो जहां के लोग रहते थे उनके अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, सब कोई बराबरी के साथ रहता था, ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं जैसे ही ब्राह्मण्स बाहर से आए, आर्यंस बाहर से आए, इन्होंने कास्ट सिस्टम लाया, सोशल हायरार्कीज लाई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वुमेन्स की कंडीशन डेरोगेटरी हो गई, क्योंकि इनके अंदर उस टाइप का सिस्टम था जिसमें वुमेन्स की कंडीशन डेरोगेटरी थी। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हम लोगों को साउथ इंडिया में धकेल दिया, खुद नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसलिए वो ब्राह्मण्स के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण्स हैं बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह है, जिस तरह से ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसी तरह से आर्यंस, मतलब जो नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र, ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ये बाहर से आए हुए हैं और बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह ही हमें, मतलब कि जहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को, यहाँ जहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे जो अभी साउथ इंडिया में हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है और क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर इंसान की बॉडी का कलर भी डिपेंड करता है। आप काले हो या गोरे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लाइमेट में रहते हो। आप देखोगे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो इक्वेटर के आसपास एरियाज हैं, जो क्या बोलते हैं अफ्रीका के एरियाज हैं,
है और खास करके जो इंडिया है, इस तरह के जो एरियाज हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हमेशा काले लोग देखने को मिलेंगे, ब्लैक लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे ठंड पड़ती है, जैसे कि यूरोप में, जैसे कि रशिया में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो ठंडे एरियाज हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है, जो कि इक्वेटर से दूर हैं, वहाँ पे लोग जो है वो गोरे होते हैं। तो ये जो आप देखते होंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग गोरे हैं, तो इसका उनका मानना है कि ये बाहर से लोग आए हुए हैं, ये आर्यंस हैं तो गोरे तो होंगे ही। यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हैं, वो काले लोग हैं, तो वो कहते हैं हम यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। एंड दैट्स वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी, दिस पीपल ऑलवेज यूज टू से कि ये ब्राह्मिन्स के खिलाफ है और ब्राह्मिन्स इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसीलिए तमिलनाडु के लीडर्स जो हैं वो ब्राह्मिन्स के और आर्यंस के हमेशा खिलाफ रहे हैं। ब्राह्मिन्स जो है वो आउटसाइडर्स हैं, ओप्रेसर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि ब्राह्मिन्स सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं और हमें यहाँ पे ओप्रेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और बिल्कुल इनकी कंडीशन किस तरह की है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स की तरह है। जिस तरह से ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसी तरह से आर्यंस बाहर से आए हुए हमें यहाँ के ओरिजिनल लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1937 और 38 के अंदर जहाँ पे हिंदी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया तमिलनाडु के स्कूल्स के अंदर, और उसके बाद हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। आर्यंस का अटेम्प्ट है ये सबजुगेट करने का साउथ इंडियंस को। इसका मतलब क्या हुआ, 1937 और 38 के आसपास क्या हुआ, तमिलनाडु के स्कूल्स के अंदर, साउथ इंडिया के स्कूल्स के अंदर एक अटेम्प्ट किया गया कि वहां पे हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा, वहां पे हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर बड़े-बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले, बड़े-बड़े दंगे देखने को मिले, एजिटेशंस देखने को मिले। ये तमिलनाडु के लोग कहते थे, साउथ इंडियंस का ये कहना था कि ये ब्राह्मिन्स का, ये आर्यंस का जो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, उनका अटेम्प्ट है हमें सबजुगेट करने का, हमारे ऊपर अपना कल्चर थोपने का, हिंदी लैंग्वेज थोपने का, क्योंकि हमारी रियल लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज तमिल है, हमारी अपनी लैंग्वेज है यहाँ पे, और ये बाहर से आए हुए आर्यंस हमारे ऊपर अपना कल्चर थोप रहे हैं। तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे, और ये जो हिंदी वहाँ पे पढ़ाई जा रही थी उसको इन्होंने अपोज किया, और उसके बाद हिंदी को वहाँ से वापिस लेना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1965 में एक और ऐसा ही इंसिडेंट आता है। 1965 में ऐसा ही इंसिडेंट आने का यहाँ पे क्या मतलब है, जब हमें आजादी मिली, मतलब कि 1947 के आसपास, तो वहां पे एक डिबेट था कि हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, क्या इंग्लिश होगी, क्या हिंदी होगी, या फिर कोई और लैंग्वेज होगी। तो यह कहा गया कि पहले 15 साल, मतलब कि 1950 से 1965 के आसपास, हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश जो है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसके बाद हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले कहा गया कि इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और इंग्लिश को जो है ये जो साउथ इंडियन लोग थे पसंद भी करते थे। इनका ये कहना था कि इंग्लिश को हम पढ़ लेंगे, इंग्लिश उनको अच्छी लगती थी और इंग्लिश को वो इजिली पढ़ भी पाते थे, इंग्लिश बोल भी पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पाते थे। आज भी आप देखना कि साउथ इंडिया के लोग जो है वो इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो इस चीज़ को जो है साउथ इंडिया के लोगों ने अपोज नहीं किया। लेकिन जैसे ही समय आने वाला था 1965 के आसपास, जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाना था, हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किए जाने का मतलब ये है कि सारे सरकार के कामकाज अब हिंदी में होंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही 1965 आने वाला था और साउथ इंडियंस को लगा कि हिंदुस्तान के अंदर अब हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, तो साउथ इंडिया के अंदर हमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले, एजिटेशंस देखने को मिले, राइट्स देखने को मिले। साउथ इंडिया के अंदर जो है कई सारे लोगों की जान चली गई, लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए, एजिटेशंस होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, धरने होने लगे, हड़तालें होने लगी, और उसके बाद क्या क्या हुआ, मतलब कि पूरा का पूरा तमिलनाडु एक सुर में बोल रहा था, हिंदी हटाओ, साउथ इंडियन कल्चर को बचाओ। मतलब कि ये चाहते थे यहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं की जाए, और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि हिंदी, इंग्लिश और एक और लैंग्वेज जो है पूरे हिंदुस्तान में, उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो चॉइस है आपके पास, चाहे तुम इंग्लिश में काम करो या हिंदी में करो। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु इज मेनली बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब क्या हुआ,
तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है ना वो सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड है। सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होने का यहाँ पे क्या मतलब है? सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होने का मतलब ये है कि तमिलनाडु के अंदर हमेशा जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति नहीं होती है, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति होती है। वहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर में आती है, या तो डीएमके या एआईएडीएमके, या तो वहां पे डीएमके रूल करती है या एआईएडीएमके करती है। तो वहां पे इन पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट रहता है। आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि आज तमिलनाडु के अंदर इतने स्कूल्स ओपन किए गए, आज तमिलनाडु के अंदर स्कूल्स के अंदर एक नई स्कीम चलाई गई, आज तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पेंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, इनको लैपटॉप्स दिए गए, साइकिल्स दिए गए। तो यहाँ पे एजेंडा ही डेवलपमेंट है। वहां पे धर्म के नाम पे और जात के नाम पे राजनीति नहीं होती है। लेकिन और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? बिहार यूपी में देख लो, ये इस जात का व्यक्ति है इसको वोट देंगे, ये उस कास्ट का व्यक्ति है इसको वोट देंगे, ये फलाने मजहब का व्यक्ति है उसको वोट देंगे। लेकिन साउथ इंडिया में हमेशा जात पात पे नाम पे राजनीति नहीं होती है, इसलिए उनका हमेशा डेवलपमेंट एजेंडा रहा है। इसलिए तमिलनाडु के अंदर सोशल वेलफेयर की राजनीति होती है, लोगों को किस तरह से वेलफेयर करनी है, लोगों की किस तरह से सेवा करनी है, लोगों को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, उसकी बात की जाती है। उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति जो है वो एंटी ब्राह्मणिज्म रही है। एंटी ब्राह्मण का यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, साउथ इंडिया के लोगों को लगता है कि वो हिंदुस्तान के ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं। सेंट्रल एशिया से आए हुए आर्यंस जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आ गए, यहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे उनको साउथ इंडिया में भगा दिया, और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो ब्राह्मण कल्चर है जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, ये जो ब्राह्मणिज्म है, ये जो ब्राह्मणवाद है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो वेदास है, ये सारा का सारा, ये जो हिंदुइज्म है, ये सारा का सारा आर्यंस का है। और आर्यंस के अंदर, ब्राह्मणिज्म के अंदर कास्ट सिस्टम है। आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कितनी सारी कास्ट्स हैं, कितनी सारी जातियाँ हैं, लोग अलग अलग वर्गों के अंदर बटे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वुमेंस की कंडीशन जो है डेरोगेटरी है, वुमेंस का स्टेटस लोअर है। तो साउथ इंडिया के लोगों का ये कहना था कि ये जो सारी की सारी कंडीशन है ये आर्यंस की वजह से हुई है। पहले साउथ इंडिया के जो लोग हैं इनका कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, हर कोई इक्वली रहता था, हर किसी के पास इक्वल राइट्स थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, वुमेंस को भी एजुकेशन मिलती थी, हर किसी के पास जो है वो हक था बोलने का, हर कोई जो है इक्वली रहता था। लेकिन बाहर से ये जो आर्यंस आए, ये जो ब्राह्मण्स आए, इन्होंने यहाँ पे जात पात क्रिएट कर दी, और ये जो जात पात क्रिएट इन्होंने की है उसकी वजह से आज डिस्क्रिमिनेशन हो रही है साउथ इंडियंस के बीच में भी। साउथ इंडियंस के बीच में भी जात पात जो है वो खड़ी हो गई, जात पात क्रिएट हो गई, क्योंकि आर्यंस की वजह से, ब्राह्मण्स की वजह से। ब्राह्मण्स के अंदर हम लोग भी आते हैं, जितने भी गोरे लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, सारे के सारे ब्राह्मण्स के अंदर ये जो आर्यंस हैं उनके अंदर आते हैं, आर्यंस के अंदर ही राजपूत भी आते हैं ये जो सारे। तो उसके अंदर इनका ये कहना था, और ये कहते थे कि ये जो हायरार्कीज बन गई है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो अलग अलग वर्गों के अंदर समाज बढ़ गया है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसको हमें खत्म करना है, क्योंकि ये आर्यंस का कल्चर है। और जब इसको खत्म करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सोशल इक्वालिटी बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हर कोई एक समान होना चाहिए, तो इस चीज की भी तमिलनाडु के अंदर बात होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर हमेशा वेलफेयर की बात होती है, वहां पे सोशल इक्वालिटी की बात होती है, वहां पे धर्म और जात की बात नहीं होती। तो इस तरीके से हम पॉलिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म डिस्कस करते हैं कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो अब हम बात करेंगे पॉपुलिज्म की। हम देखेंगे कि किस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर एक शिफ्ट आया सोशल रिफॉर्म से पॉपुलिज्म की तरफ। पॉपुलिज्म का यहाँ पे क्या मतलब होता है? जब मैं पॉपुलिज्म की डेफिनेशन को डिकोड करने की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आता है पॉपुलिस्ट क्लेम टू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ सो कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस्ड पीपल एंड वांट टू अपलिफ्ट एंड इमेंसिपेट देम बाय फर्स्टली मेकिंग द कंसर्न ग्रुप अवेयर ऑफ देयर ऑपरेशन एंड सेकेंडली बाय क्लेमिंग टू बी देयर इमेंसिपेटर्स। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि पॉपुलिज्म एक ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या कहा जाता है, जिसके अंदर यह कहा जाता है एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मतलब कि एक लीडर एक क्लेम करता है, जनता के अंदर जाता है और उस जनता को कहता है कि आपका शोषण हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे देखता हूँ कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरे को हिंदुओं को गाइड करना है, हिंदुओं का वोट भी लेना है, हिंदुओं के ऊपर राजनीति भी करनी है।
तो मैं यहाँ पे मैदान में उतरूंगा और कहूंगा, मुस्लिम्स तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ हैं, मुस्लिम्स हिंदुओं को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं आया हूँ आप सब लोगों को मुस्लिम्स से बचाने के लिए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ, हिंदू जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, हिंदू अपनी सरकार बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। और अगर आपको एग्जाम्पल मैं दूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एक लीडर आता है और वो बोलता है गरीबों का शोषण क्यों हो रहा है, मुझे पता है गरीबों का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये जो अंबानी हैं, अडानी हैं, ये सारा का सारा पैसा अपने घर ले गए हैं और इसलिए गरीबों का शोषण हो रहा है और इसलिए मैं आप सबको इस शोषण से बचाने के लिए आया हूं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स पॉपुलिज्म होता है कि एक मार्जिनलाइज सेक्शन, एक ओप्रेस्ड सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन, ऐसे लोग जिनका शोषण हुआ हो, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो, जिनको प्रताड़ित किया गया हो, उनको अपलिफ्ट करने की बात करना, कहना कि हम तुम्हें ऊपर लेके जाएंगे, उनके इमेंसिपेशन की बात करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनको इक्वालिटी दिलाना, उनको हक दिलाना, इसकी बात करना पॉपुलिज्म के अंदर आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी आता है कि सबसे पहले उस ग्रुप को अवेयर करना है, मतलब कि जिनका भी शोषण हो रहा है उनको पहले ये अवेयर करना है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, पहले गरीबों को बताना है कि भाई तुम्हारा शोषण क्यों हो रहा है, तुम्हारा शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटलिस्ट तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो उनको पहले बोलना कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और उसके बाद ये कहना कि हम तुम्हारा शोषण जो है उससे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। इमेंसिपेटर्स कहना अपने आप को, कहना कि हम इमेंसिपेटर्स हैं, हम तुम्हें इस एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन के ऊपर होती है और खास करके मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात करता हूं। तो इसके अंदर आपको आपने देखा होगा, आप अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा लें, मैं ज्यादा क्लियरली नहीं बोलूंगा लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लें, तो इसके अंदर आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये नहीं चल रहा है कि तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें उनके द्वारा हिस्ट्री में उनके द्वारा दबाया गया, तुम्हें बाहर से पता नहीं किसके द्वारा दबाया गया और तुम लोगों को अपना मजहब बचाना होगा, इसलिए तुम लोगों को बचाने के लिए, तुम्हारे मजहब को बचाने के लिए हम आए हैं। आज हिंदुस्तान की राजनीति में यही चल रहा है, इसी को पॉपुलिज्म कहा जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर भी किस तरह से पॉपुलिज्म चल रहा था उसकी यहां पे बात होगी, तो पॉपुलिज्म का आपको मतलब समझ आ गया होगा। मतलब कि एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, मान लो लोअर कास्ट का किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मान लो दलितों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, राइट, वो लोअर कास्ट के अंदर आते हैं, एक लीडर आएगा, एक व्यक्ति ऊपर उठ के आएगा, जब एक पार्टी आ जाएगी वो कहेगी तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है और तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, और उसके बाद कहेंगे कि तुम्हें दबा कौन रहा है, हमें पता है तुम्हें राजपूत दबा रहे हैं, ब्राह्मण दबा रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि हम तुम्हें बचाएंगे। तो ये है पॉपुलिज्म, मतलब कि पहले कहना कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, किसी एक ग्रुप को पकड़ना जिनका शोषण हो रहा हो, और फिर ये कहना कि तुम्हारा शोषण उनकी वजह से हो रहा है और तुम्हें तुम्हारी ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है इससे बचाने के लिए हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं ये जो ग्रुप्स हैं कुड बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी एटस्टा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कितनी एग्जांपल्स दी, रिलीजन की आपको एग्जांपल दी कि रिलीजन के नाम पे भी पॉपुलिज्म हो सकता है, कहना कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और मुस्लिम्स तुम्हें जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुस्लिम्स ने तुम्हारे साथ इतिहास में, मुगलों ने तुम्हारे साथ इतिहास में भी जो है वो हिंदुओं को दबाने की कोशिश की है, या वाइस वर्सा हो सकता है, मुस्लिम्स कह रहे हैं यार हिंदू तुम्हें दबा रहे हैं, हिंदुओं ने हमेशा मुस्लिम्स को खत्म करने की कोशिश की है, और मुस्लिम्स में से कोई लीडर उठेगा बोलेगा हिंदू तुम्हें दबा रहे हैं इसलिए मैं मुस्लिम्स को बचाने के लिए आया हूं, तो मुस्लिम्स को इमेंसिपेट करने की वो बात करेगा। तो इस तरीके से लीजन के नाम पे हो सकता है, कास्ट भी हो सकती है, कोई दलित दलित के अंदर हो जाए, या राजपूत ही बोलें बोलें कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये हमें दबा रहे हैं, ये यहाँ पे ज्यादा ही कुछ एक्टिव हो रहे हैं, ज्यादा हीरो बन रहे हैं, तो हमें ये करना होगा। उसके बाद एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता है, क्लास के बेसिस पे हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर आता है तमिलनाडु पॉपुलिज्म आफ्टर 1960s। हमें तमिलनाडु के अंदर पॉपुलिज्म जो है 1960 के बाद देखने को मिलता है। जब मैं तमिलनाडु के रीजन की बात करता हूँ वहां पे ये जो पॉपुलिज्म का कंसेप्ट है ये 1960 के बाद हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, डेविडियन आइडेंटिटी वैल्यूज सिविलाइजेशन सेल्फ रूल वे ऑफ लाइफ और कल्चर, इस बेसिस के ऊपर तमिलनाडु के अंदर पॉपुलिज्म होता है। मैं आपको बार बार कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि तमिलनाडु के लीडर्स हमेशा कहते हैं कि आर्यंस बाहर से आए हुए हैं, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स जो हैं, इनहैबिटेंट्स जो हैं वो साउथ इंडियन के लोग हैं, वो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, वो ड्रेविडियन हैं, जो अपने आप को वो ड्रेविडियन कहते हैं, और हमारा आज एक्सप्लॉइटेशन, मतलब साउथ इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन इसलिए हो रहा है,
साउथ इंडिया के लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम इसलिए आ गया है, साउथ इंडिया के अंदर बूमर्स की कंडीशंस बुरी इसलिए है क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने हमारे कल्चर को स्पॉयल कर दिया, हमारे कल्चर के अंदर डाइवर्जेंस कर दी, हमारे कल्चर के अंदर कास्ट सिस्टम घुसेड़ दिया, इसलिए हमारा शोषण आर्यंस ने किया है। जो आज नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, जो हम लोग हैं, हमने साउथ इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन किया है, ऐसा साउथ इंडियंस का कहना है, तमिल लीडर्स का कहना है। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि ये जो हमारी ड्रेविडियन आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी है, बाहर से आर्यंस जो है वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर उठना होगा। और हमेशा उन्होंने जो है अलग ड्रेविडिस्तान की बात की, कहा हमें अलग ही देश दे दो क्योंकि तुम लोग हमारा जो है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हो। फिर जब उसकी बात उनको लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने कहा हमें ऑटोनॉमी दी जाए। सिविलाइजेशन की वो बात करते हैं, वो कहते हैं हम एडवांस लोग हुए करते थे, ये साले बाहर से आए हुए लोग हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। सेल्फ रूल की वो बात करते हैं, वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे जिए, हम जो है पत्ते के ऊपर खाना खाएंगे, हम जो है धोती पहनेंगे, ये हमारा कल्चर है, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिलवाले हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कल्चर, कल्चर के बेसिस के ऊपर वो अपने आप कहते हैं, वो कहते हैं हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर ओरिजिनल कल्चर है। उसके बाद इसके अंदर आता है पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, किस तरह से सोशल रिफॉर्म फेज से पॉपुलिज्म की तरफ शिफ्ट हुई, ये हमने यहाँ पे बात की। किस तरह से हुई, हमने देखा कि ईवी रामास्वामी के टाइम पे जब उसने जस्टिस पार्टी बनाई, उसके बाद उसको ड्रेविडा कज़ागम कर दिया, उससे पहले जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन बनाई गई थी, तमिलनाडु वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैंने आपको बताया ना, ईवी रामास्वामी पहले सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, उन्होंने समाज के अंदर रिफॉर्म्स की बात की, और जो ईवी रामास्वामी का टाइम है ये सोशल रिफॉर्म का टाइम है, और उसके बाद पॉपुलिज्म का टाइम आता है, जो है वो डीएमके और एआईएडीएमके के द्वारा लाया जाता है, मतलब 1960 के बाद जो है पॉपुलिज्म की राजनीति होती है, और डीएमके और एआईएडीएमके जो है हमेशा पॉपुलिज्म की राजनीति करते हैं। आपने साउथ इंडिया में देखा होगा ना कि ये जो वहां के लीडर्स हैं, स्टालिन है, स्टालिन के बेटे हैं, पिछले दिनों स्टालिन के बेटे ने जो है हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बयान दे दिया था, हिंदू धर्म को गालियां निकालते हैं ये लोग, हिंदुइज्म के खिलाफ बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, यही तो है पॉपुलिज्म, मतलब इसी का मतलब है पॉपुलिज्म, ये कहना कि हमारा मजहब, हमारा रिलीजन, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर अलग है, साउथ इंडियंस का कल्चर अलग है और आर्यंस का कल्चर अलग है, हिंदुइज्म सनातन धर्म आर्यंस का कल्चर है, इसलिए वो इनको गालियां निकालते हैं ताकि वहां पे पॉपुलिज्म हो सके, वहां पे जो है उस तरह की वहां पे वो राजनीति कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से सोशल रिफॉर्म से एक शिफ्ट आता है पॉपुलिज्म की तरफ। इसी के साथ हम तमिलनाडु के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको कवर करते हैं, और उसी के साथ हम ये भी कवर कर लेते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु के अंदर एक शिफ्ट आया सोशल रिफॉर्म से पॉपुलिज्म की तरफ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।